यूपी के बिजनौर में एनआईए अफसर तंजील अहमद हत्याकांड में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके साथ ही शूटर मुनीर के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आज पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र के लातूर में वाटर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। करीब 5 लाख लीटर पानी लेकर ये ट्रेन यहां पहुंची है, लेकिन अफसरों की लापरवाही की वजह से लातूर के लोगों को और 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा पानी मिलने को लेकर, क्योंकि अब तक पानी स्टोर करने को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। हालांकि प्रशासन ने पाइप बिछाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। देश के 12 सूखाग्रस्त राज्यों की मदद वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र में होने वाले 19 आईपीएल मैच को कैंसिल करने की याचिका पर भी फैसला करेगा। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि स्टेडियम में पानी की आपूर्ति कहां से होगी। असम के तिनसुकिया जिले में पुलिस फायरिंग की वजह से एक हाई वोल्टेज तार भीड़ पर जा गिरा। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। केरल के कोल्लम हादसे में मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं हादसे की जांच कर रही टीम ने मंदिर से विस्फोटकों के सैंपल इकट्ठा किए हैं, जबकि पुलिस ने मंदिर समिति के 15 लोगों समेत अब तक 25 के खिलाफ केस दर्ज किया है। नागपुर की एक रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हैदराबाद में खुदकुशी करने वाले छात्र रोहित वैमुला की तुलना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से की। नागपुर में कांग्रेस की रैली बाबा साहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती समारोह के मौके पर थी। एनआईटी श्रीनगर के बाहर तिरंगा फहराने की कोशिश में भगत सिंह, क्रांति सेना के अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह बग्गा समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों ने एनआईटी के बाहर जैसे ही तिरंगा फहराया, वहां मौजूद जम्मू कश्मीर पुलिसकर्मी तिरंगा छीनकर भाग गए। महाराष्ट्र सूखे पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के विवादित बयान का चौतरफा विरोध शुरू हो चुका है। शंकराचार्य ने कहा था कि महाराष्ट्र में सूखा साई पूजा का नतीजा है। महाराष्ट्र विधान परिषद ने डांस बार पाबंदी बिल पास कर दिया है, जिसके मुताबिक बार गर्ल को छूने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं रिहायशी इलाके में डांस बार नहीं खोले जा सकेंगे। मंदिर मस्जिद के आसपास भी डांस बार नहीं होने चाहिए। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज प्रधानमंत्री मोदी बाघों के संरक्षण पर एशिया के देशों के मंत्रियों के 3रे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में एशियाई देशों के जाने माने वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे। लगातार 2 साल से कम बारिश और सूखे की मार झेल रहे किसानों को मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मॉनसून बेहतर रहने की उम्मीद है। स्काईमेट ने भी इस बार 105% बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा के तमाम दावों को ठेंगा दिखाते हुए 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। चेहरे में मास्क लगाकर ये दोनों राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन में दाखिल हुए और चाकू के बल पर कंट्रोल रूम से 12 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन के दूसरे दौर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 15 अप्रैल से लागू हो रहे नियम को तोड़ने पर 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। विभिन्न श्रेणियों में छूट पिछली बार की तरह ही लागू रहेगी। दिल्ली के LG नजीब जंग ने कहा है कि देश विरोधी नारेबाजी के आरोपी छात्रों के खिलाफ घृणा दिखाने और पुलिस एक्शन लेने की बजाय उनसे बातचीत की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। LG ने माना कि घाटी में सेना की तैनाती और AFSPA की वजह से वहां के लोग खुद को असहज महसूस करते हैं। जंग ने यह भी कहा कि भारत माता की जय का नारा जबरन लगवाना अनुचित है। दिल्ली सरकार की विभिन्न टीमें स्कूलों में EWS कोटे के तहत हो रही दाखिलों की जांच करेंगी। ये 24 टीमें किसी भी स्कूल का दौरा कर एडमिशन संबंधी डिटेल चेक कर सकती हैं। दिल्ली सरकार
सरकार ने मैक्सफोर्ड स्कूल की रोहिणी और पीतमपुरा ब्रांच को टेक ओवर करने का शो कॉज नोटिस जारी किया है। पेरेंट्स और टीचर्स से मिली शिकायतों की जांच में यहाँ एडमिशन में धांधली, आर्थिक गड़बड़ी, टीचर्स का फर्जी रिकॉर्ड रखने के मामले सामने आए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वो महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित लातूर शहर के लिए पानी को बचाएं। एक ट्वीट में केजरीवाल ने कहा कि लातूर में गंभीर जल संकट है, हम सबको मदद करनी चाहिए। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के सामने सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। 2500 टीचर्स का आरोप है कि उन्हें फंड की कमी का बहाना बनाकर डिसमिस कर दिया गया। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एलजी से मिलकर 2500 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को बहाल करने की मांग की है। एक साल पहले सर्व शिक्षा अभियान के लिए रखे गए इन टीचर्स की सेवाएं हाल ही में खत्म कर दी। महाराष्ट्र सरकार आने वाले दिनों में सूखाग्रस्त इलाकों में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराने की तैयारी कर रही है। ये बारिश जून महीने में कराने की तैयारी है। सरकार की ओर से इसकी शुरुआत सबसे ज्यादा अकाल प्रभावित इलाका मराठवाड़ा से की जाएगी। नांदेड़ जिले में आए भयंकर सूखे के बाद यहाँ के लोग अब मुंबई का रुख कर रहे हैं। लगभग 600 मजदूर और किसान परिवारों ने मुंबई के घाट कोपर में शरण ली है, लेकिन यहाँ भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट बसों की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेस्ट जहां हर रोज 3,75,00,00,000 रुपए कमाती है, वहीं अब उसका खर्चा करीब इससे भी दुगना हो चुका है। बेस्ट का ये खर्च बसों के रखरखाव, ईंधन, ड्राइवर, कंडक्टर की तनख्वाह जैसी चीजों पर खर्च किया जाता है। मुंबई के विरार स्टेशन पर एक शख्स पर सरेआम चाकू से हमला कर दिया गया। इस दौरान वहां काफी लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। बाद में हमलावर को पुलिस ने पकड़ा। आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता सतीश साहित्य हत्याकांड में सीबीआई ने एक रिटायर्ड एएसआई को गिरफ्तार किया है। मामले में ये दूसरी गिरफ्तारी है। गिरफ्तार एएसआई का नाम सुखदेव खोतले है और उसे लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मुंबई का दौरा करेंगे। वो यहां देवनाथ डंपिंग ग्राउंड में लगी आग से परेशान लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो हड़ताली ज्वेलर से भी मुलाकात करेंगे। टीवी कलाकार प्रत्युषा बैनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को अंधेरी कोर्ट ने समन जारी किया है। राहुल को ये समन चेक बाउंस होने के मामले में जारी किया गया है। महाराष्ट्र ज्वेलर्स एसोसिएशन ने पिछले 42 दिनों से चली आ रही हड़ताल को कुछ समय के लिए वापस ले लिया है। ज्वेलर एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार को वैट में बढ़ोतरी का एक प्रपोजल दिया जाएगा और अगर सरकार पर इस पर सहमत नहीं होती है तो दोबारा हड़ताल और विरोध जारी रहेगा। नैनीताल हाईकोर्ट में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर आज फिर सुनवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल दलील पेश करेंगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज कन्नौज के दौरे पर आ रहे हैं। यहां वो 11 अरब की लागत से बनी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यहां वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री आजम खान और सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगे। यूपी के मथुरा में एक दुकान में उस वक्त हादसा हो गया जब एक फ्रिज के कंप्रेशर में गैस भरी जा रही थी। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। कंप्रेशर में गैस ज्यादा हो जाने की वजह से धमाका हुआ। घायलों में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, उन्हें आगरा रेफर किया गया। यूपी में बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के चलते एक प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई। आग के कारण करोड़ों का नुकसान भी बताया जा रहा है। राहत वाली बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी सरकार के मदरसों में सामूहिक नकल रोकने के प्रयास का उल्टा असर सामने आया। मदरसा बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत में 50% के करीब परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। साथ ही इलाहाबाद में कई परीक्षा केंद्रों में जमकर नकल भी देखने को मिली। मेरठ में गन्ना बकाया भुगतान की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पिछले 5 दिनों से गन्ना भवन पर धरने पर बैठे हैं। इस मौके पर
एक महापंचायत का आह्वान किया गया, जहां बकायदा किसान अपने 7 पशुओं को लेकर पहुंचे और उन्हें गन्ना भवन में ही बांध दिया। यूपी में लखीमपुर के कई गांव में आग के चलते किसानों की कई बीघा फसल जलकर राख हो गई है। इस दौरान आग पर काबू पाने के लिए किसान मशक्कत करते रहे और इस हादसे से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। आग से कानपुर का कल्लूपुरवा गांव पूरी तरह जलकर राख हो गया। हालांकि सभी गांव वाले अपने जानवरों समेत घरों से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 100 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। यूपी में जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक अस्पताल में तोड़फोड़ की और वहां मौजूद लोगों से बदसलूकी की। आरोप है कि अस्पताल में आने वाले लोग पड़ोस के घर के सामने अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते और इसी बात से नाराज होकर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने मारपीट की। यूपी के भदोही में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी न हो पाने से बीजेपी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ये कहा जा रहा है कि आरोपी एसपी विधायक का रिश्तेदार है और इसलिए पुलिस उसे नहीं पकड़ रही है, जबकि वो खुलेआम घूम रहा है। यूपी के शामली में एक महिला से तमंचे के बल पर रेप की घटना का मामला सामने आया। महिला किसी काम से जा रही थी और तभी आरोपी ने महिला को तमंचा लगा दिया और अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। पंजाब के मोहाली में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल अकाली दल के नेता हरमनप्रीत सुबह जब अपनी मां के कमरे में गए तो उनका शव वहां पर पड़ा था। उन्हें पेट में गोली लगी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। पंजाब के लुधियाना में पुलिस और किडनैपर्स के बीच जमकर गोलियां चली। दरअसल किडनैपर्स ने एक शख्स को छोड़ने के लिए फिरौती की रकम मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर उनके मंसूबे नाकाम कर दिए। इस दौरान जहां एक किडनैपर पकड़ा गया है, वहीं एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गया। वृंदावन में एक महिला आश्रम में वार्डन और कर्मचारियों पर महिलाओं से मारपीट का आरोप लगाया। साथ ही इन पर यहां आने वाले सामानों को चोरी करने का भी आरोप लगाया। आश्रम में रह रही महिलाओं ने घटना के बाद पुलिस से पूरे मामले की शिकायत दर्ज कर दी। मेरठ करनाल हाईवे पर पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने एक होटल मालिक और वहां ठहरे दर्जनों ट्रक चालकों से लाखों की लूट को अंजाम दिया। इस दौरान जब वहां लिखे पुलिस के नंबरों पर कॉल की गई तो नंबर गलत निकले। पूरे मामले पर अब आला अधिकारी दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने लूट हत्या और अपहरण के मामले में मोस्ट वांटेड 3 आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस का दावा है कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। हरियाणा के भिवानी में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन लड़की के घर वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज की खातिर उसकी हत्या कर दी। तो ससुराल वालों का कहना है कि लड़की ने खुद ही फांसी लगाई है। पुलिस मामले की जांच। एमपी के सतना में एक प्रेमी जोड़े की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल से 12 बोर के एक खाली कारतूस बरामद किए। पुलिस को शक है कि लड़की घर वालों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस दोहरे हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस मामले की जांच। यूपी में बागपत कोतवाली क्षेत्र में पक्का घाट मंदिर क्षेत्र में एक युवक की शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई और शव को पास के ही एक खेत में फेंक दिया गया। इससे पहले एक सप्ताह के अंदर कई अज्ञात शव भी बरामद किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस की पिटाई से हिरासत में एक शख्स की मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक 7 अप्रैल को पुलिस ने 5 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक को 3 दिन बाद मरणासन्न हालत में परिवार के हवाले कर दिया गया, लेकिन घर ले जाते वक्त उसकी मौत। हैदराबाद की एक एनजीओ ने रियलिटी शो में बच्चों के हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। 7 अप्रैल को शहर में स्टंट के दौरान एक छात्र की मौत हो गई थी। जलालुद्दीन अपनी टी शर्ट में आग लगाकर रियलिटी शो के लिए हैपनिंग वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से रेलवे ने अब तक 25 ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। रेलवे के मुताबिक नंदन कानन एक्सप्रेस, पूरी जोधपुर एक्सप्रेस, पूरी दुर्गा एक्सप्रेस समेत 25 ट्रेनों के 500 कोच में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं।
हरियाणा के हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने छात्रों को संबोधित किया। डॉक्टर चंद्रा ने छात्रों को कामयाबी के टिप्स दिए और कहा कि वो खुद पर यकीन करें। हरियाणा के रोहतक में आज मिशन एकता समिति की ओर से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। सिर्फ धर्मशाला में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र होंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रहने वाले 2.5 साल का टी समर्थ राम सड़क पर जा रही किसी भी कार को महज देखकर बता सकता है कि वो किस कंपनी की है। समर्थ कुल 165 देशी विदेशी कारों को एक झलक में देखकर पहचानने में पूरी तरीके से सक्षम है। चेन्नई के एक रेस्टोरेंट में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की मूर्ति लगाई गई। मूर्ति की खासियत है कि ये पूरी तरह से चॉकलेट से बनी है। 6 फीट के रजनी को बनाने में 600 किलो चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया। मार्च सीपीआई महंगाई के आंकड़े आज आएंगे। जानकारों के मुताबिक मार्च सीपीआई महंगाई 5 महीने के निचले स्तर पर रहने का अनुमान है। मार्च सीपीआई महंगाई दर 5.2% से घटकर 5.1% रहने की संभावना है। ऊंचे बेस खाने पीने की चीजें सस्ती होने के कारण घटेगी महंगाई। मार्च में दालों की रिटेल कीमत 0.9% से 3.5% कम हुई है, तो वही टमाटर की रिटेल कीमत 15.5% से कम हुई है। देश में पेमेंट का तरीका बदलने वाला सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च हो गया है। अब आपको मोबाइल फोन आपका बैंक खाता बन जाएगा। इतना ही नहीं, आप उन बैंकों के प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर पाएंगे जिनके आप ग्राहक हैं। तो स्कीम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के प्लेटफॉर्म पर एक साथ 29 बैंक आए हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के एडवाइजर नंदन नीलकणी का कहना है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दुनिया का सबसे आधुनिक पेमेंट सिस्टम है। इससे मर्चेंट्स को ज्यादा फायदा होगा और लोगों को कैश पर निर्भरता कम होगी। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा का कहना है कि देश में पेमेंट के लिए यूपीआई गेम चेंजर साबित होगा। विजय शेखर शर्मा के मुताबिक यूपीआई से ई कॉमर्स कंपनियों को फायदा होगा। वॉलेट रिचार्ज के लिए पेटीएम यूपीआई को इनकरेज करेगा। सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, लेकिन अब सरकार अब तक एक और प्रस्ताव पर काम कर रही है और अगर ये प्रस्ताव पारित हुआ तो 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन में हुई बढ़ोतरी का 50% हिस्सा पहले 2 सालों में बैंक कैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स में निवेश करना होगा। ये नियम ज्यादा इनकम वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू करने का प्रस्ताव है। 5200 से 20200 रुपए की सैलरी ब्रैकेट वाले और पेंशन वाले लोगों को ये छूट होगी कि वो चाहे तो इस स्कीम में निवेश करें और चाहे तो ना करें। आरबीआई ने बैंक खाताधारकों को लॉटरी वाले फर्जी मेल से सावधान रहने की सलाह दी है। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि इस तरह के मेल आरबीआई नहीं भेजता है। खाताधारकों को ऐसे मेल का जवाब नहीं देना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों से कहा है कि वो वित्तीय घाटा कम करने पर जोर दें और इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कामों पर ज्यादा खर्च करें। वित्त मंत्री ने लोगों तक विकास कार्यों का फायदा पहुंचाने के लिए राज्यों को आधार के इस्तेमाल की सलाह दी। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र के टैक्सों में राज्यों की हिस्सेदारी 42% तक बढ़ गई है और ऐसे में राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पैसे को सही जगह खर्च करें। पीपीपी प्रोजेक्ट सरकारी योजनाओं के विवादों का जल्द निपटारा करेंगे और अगले सत्र में पब्लिक यूटिलिटी डिस्प्यूट रिसोल्यूशन बिल आएगा और बिल पास होने के बाद लीगल फ्रेमवर्क तैयार होगा।
प्रोजेक्ट से जुड़े विवादों का निपटारा भी जल्द होगा। बिल के बाद समय पर इंफ्रा प्रोजेक्ट तैयार होंगे। पीपीपी प्रोजेक्ट सरकारी योजनाओं में तेजी लाई जाएगी और नया नियम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी लागू होगा। सर्विस टैक्स विभाग ने विलफुल डिफॉल्टर विजय माल्या की संपत्तियां बेचने की तैयारी तेज कर दी है। सर्विस टैक्स विभाग जल्द ही माल्या की संपत्तियों की नीलामी करेगा। सर्विस टैक्स विभाग का विलय पर 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बकाया है।